इसराइल एक ऐसा मुल्क जो उलझा है कई मुल्कों से, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन, यमन। ये जंग पूरा एक जंजाल है जिसको समझ पाना थोड़ा पेचीदा है। इस पेचीदगी के मोतियों को अगर एक धागे में पिरो देंगे तो फिर आपको ये जंग एक ऐसी माला यानी नेकलेस की तरह नजर आएगी जो अमेरिका के गले में पड़ी है, और फिर समझ आ जाएगा इतने मुल्कों का दुश्मन क्यों बना है इसराइल। इस नक्शे को ज़रा गौर से देखिए। इराक, सीरिया, लेबनान के रास्ते ईरान इसराइल तक अपनी पहुंच रखता है, वो भी सड़क के रास्ते। लेबनान में है हिजबुल्ला, एक ऐसा सैन्य और राजनीतिक संगठन जिसे अमेरिका ने 1997 में आतंकी गुट घोषित किया है, और ईरान उसका समर्थन करता है। ईरान इसलिए समर्थन करता है क्योंकि उसकी जंग है इसराइल से, और ईरान के लिए हिजबुल्ला एक हथियार की तरह है। 24 अगस्त 2024 को इसराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर 100 फाइटर जेट भेजकर हमला किया। जवाब में हिजबुल्ला ने भी इसराइल पर 300 रॉकेट दाग दिए। हिजबुल्ला को हथियारों की यह ताकत मिलती है ईरान और सीरिया से। यही वजह है कि इसराइल सीरिया को तोड़ देना चाहता है ताकि हिजबुल्ला तक पहुंचने का ईरान का रास्ता नक्शे से कट जाए, क्योंकि बाकी इलाका समंदर से घिरा है, जहां से ईरान के लिए लेबनान में हिजबुल्ला तक और गजा में हमास तक हथियार पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। सीरिया में सुन्नी मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और शासन है शिया मुसलमान बशर अल असद का, लिहाजा इसी सेंटिमेंट को पश्चिमी मुल्कों ने सीरिया में हवा दी कि कोई शिया सुन्नियों पर क्यों शासन करे, जिसका नतीजा ये रहा कि सीरिया गृह युद्ध की आग में जला, वो भी एक दो साल नहीं बल्कि तकरीबन 12 साल। 2011 में शुरू हुआ गृह युद्ध तकरीबन 12 साल चला, मगर इस बगावत को कुचलने में जहां लेबनान और ईरान ने सीरियाई सरकार का साथ दिया, वहीं रूस ने भी अमेरिका के मुकाबले अपनी सेना उतार कर बशर अल असद सरकार की मदद की। ईरान को लगता था अगर सीरिया में सुन्नी शासन में आए तो फिर उसके लिए वैसी ही रिकॉर्ड बन जाएगी जैसे फिलिस्तीन तक पहुंचने के लिए इराक से गुजरने के बाद जॉर्डन में ब्रेक लगता है। जॉर्डन में सुन्नी मुसलमान शासन में है। मिडल ईस्ट में जॉर्डन 1994 के बाद से अमेरिका और इसराइल का करीबी मुल्क बन गया। यही वजह है जब ईरान ने इसराइल पर इसी साल मिसाइल और ड्रोन से हमला बोला तो जॉर्डन ने कई मिसाइल को खत्म कर दिया। बाद में जब जॉर्डन की पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर के मुसलमानों में आलोचना हुई तो सफाई दी कि हमने अपने देश के लोगों की सुरक्षा की वजह से ईरान से मिसाइल खत्म किए। फिलहाल ईरान के लिए इराक, सीरिया और लेबनान आसान जमीनी रास्ता है क्योंकि यहाँ सब मुल्कों में शिया मुसलमान शासन में है। ऐसे में अमेरिका और इसराइल फूट डालकर राज करने में नाकाम है। इसराइल को अगर हिजबुल्ला से निपटना है तो उसे सीरिया को तोड़ना होगा, यानी सीरिया इस जंग के नतीजे तय करने में अहम कड़ी है। अगर उस कड़ी को तोड़ दिया गया तो लेबनान का हिजबुल्ला अकेला पड़ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीरिया सिर्फ इसी वजह से इसराइल का दुश्मन है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सीरिया इसराइल के संघर्ष का भी एक इतिहास है। गोलान हाइट्स दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में एक पहाड़ी इलाका है जो राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर बेहद अहम मोर्चा है। इसराइल ने 6 दिन के युद्ध में 1967 में सीरिया को हराकर गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त इलाके में रहने वाले ज्यादातर सीरियाई अपना अपना घर बार छोड़कर चले गए थे। पिछली वीडियो में हमने बात भी की थी कि 1973 में सीरिया ने मध्य पूर्व युद्ध के दौरान फिर से गोलान हाइट्स को हासिल करने की कोशिश की थी, मगर नाकामी हाथ लगी। इस जंग में इस बार इसराइल को नुकसान बहुत पहुंचा था। 1974 में दोनों देशों ने इलाके में युद्ध विराम लागू कर दिया। यूएन की सेना 1974 से युद्ध विराम रेखा पर तैनात है, जिसे बफर जोन कहा जाता है, यानी गोलान हाइट्स से लेकर इसराइल और सीरिया के बीच बफर जोन दोनों देशों के तनाव को संभाले हुए है। 1981 में इसराइल ने गोलान हाइट्स को अपने इलाके में मिलाने की घोषणा कर दी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसे मान्यता नहीं मिली। गोलान हाइट्स पर यहूदियों की 30 से ज़्यादा बस्तियां हैं। ये बस्तियां इसराइल ने बसाई, जिनमें करीब 20,000 लोग रहते हैं। इलाके में 20,000 सीरियाई लोग भी रहते हैं। इस मैप में आप देखिए गोलान हाइट्स की चोटी से साउथ सीरिया और सीरिया की राजधानी दमिश्क साफ नज़र आते हैं, और दोनों ही ये इलाके गोलान हाइट्स से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यानी इसराइल इस चोटी से सीरिया पर नज़र बनाए रखता है, या ये कहें कि ये गोलान हाइट्स इसराइल के लिए सुरक्षा ढाल है तो सीरिया के लिए खतरा। सीरिया इसे हासिल करना चाहता है। इसकी एक वजह गोलान की उपजाऊ ज़मीन भी है, यानी सीरिया और इसराइल का एक लंबा संघर्ष है। इस संघर्ष को समझने पर पता चलता है कि छोटे छोटे कई संगठन इसराइल के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। वो क्या है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सीरियाई आर्मी के साथ हैं शिया मिलिशिया यानी इराकी अल अब्बास ब्रिगेड,
महदी फोर्स ऑफ इराक, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड, जुल्फिकार ब्रिगेड, लिवा अल इमाम अल हुसैन, लिवा अम्मार इब्न यासिर और हिजबुल्ला ऑफ लेबनान, ये वो गुट थे जो ISIS और बशर अल असद के मुखालिफ लोगों से मुकाबला करने के लिए सीरिया के मैदान में उतरे थे और अब इसराइल के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। सीरियाई आर्मी तो खुलकर एक लंबे अरसे से मैदान में है, बाकी गुटों के बारे में भी जानते हैं किस तरह से वो इसराइल का होश उड़ाए हुए हैं। सबसे पहले बात IRGC की, IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, जिसे ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ईरानी सशस्त्र बलों की एक प्राइमरी ब्रांच है। ईरानी क्रांति के बाद मई 1979 में आयतुल्ला रूहुल्ला खुमैनी ने सैन्य शाखा के तौर पर इसे तैयार किया था। ये ईरानी सेना है जो सीरिया में अपनी सेवाएं दे रही है। 2024 तक IRGC के पास 225,000 सैन्य कर्मी थे। इसकी एक कमांडो शाखा भी है जिसे कुद्स फोर्स कहते हैं। कुद्स फोर्स भी सीरिया में मौजूद है। ईरान की ये सेनाएं न सिर्फ इसराइल के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, बल्कि इसराइल से लड़ने वाले तमाम गुटों की रखवाली भी कर रही हैं। यही बाकी गुटों को ट्रेन करते हैं, हथियार मुहैया करा रहे हैं। इन्हीं के दम पर लेबनान में हिजबुल्ला की ताकत बढ़ी हुई है। इसराइल लगातार ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को अपना निशाना बनाए हुए है। दूसरा ग्रुप है अल अब्बास ब्रिगेड। अबू फजल अल अब्बास यानी अल अब्बास ब्रिगेड सीरिया के कई हिस्सों में मौजूद है। इसमें इराकी शिया लड़ाके शामिल हैं जो स्वयंसेवक हैं। अल अब्बास ब्रिगेड की शुरुआत मुक्तदा अल सदर की महदी सेना के पूर्व सदस्यों ने की, जो सभी इराकी शिया थे। जब सीरिया में गृहयुद्ध छिड़ा तो ये लड़ाके इराक से ईरान की शह पर भेजे गए। इनके पास ट्रेनिंग की कमी थी। ईरान के निर्देश पर इनका काम था बिखरे हुए तमाम शियाओं को एकजुट करना। अब यही लड़ाके सीरिया में इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। शिया मिलिशिया के इन सदस्यों की ईरानी और सीरियाई अधिकारी जांच करते रहते हैं, उन्हें लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं। एक इराकी शिया मिलिशिया कमांडर ने नेशनल पब्लिक रेडियो को बताया था कि लेबनानी हिजबुल्ला उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त करता है। तीसरा ग्रुप है लिवा जुल्फिकार। लिवा जुल्फिकार एक ऐसा गुट जिसके कई नेता और लड़ाके अल अब्बास ब्रिगेड के साथ हैं। ये दमिश्क में एक्टिव हैं। दमिश्क के उत्तरी भाग बरजेह में इनकी ज्यादा तैनाती है। स्नाइपर गुट बना रखे हैं जो छिपकर टारगेट पर निशाने लगाते हैं और गायब हो जाते हैं। चौथा ग्रुप है लिवा अल इमाम अल हुसैन। लिवा अल इमाम अल हुसैन एक शिया मिलिशिया है, ये भी दमिश्क में एक्टिव है। इस ग्रुप की जो तस्वीरें सामने आई उनमें अक्सर इराकी शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के प्रति उनकी वफादारी को दिखाया गया है। बाकी इराकी शिया संगठनों के लड़ाकों की तरह इस गुट के लड़ाकों को ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई की तस्वीरों के साथ नहीं देखा गया है। इसके बजाय इनके पास मुक्तदा अल सदर की तस्वीरें हैं। इस गुट के कितने सदस्य हैं इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। लिवा अल इमाम अल हुसैन ने पहली बार 30 जून 2013 को फेसबुक पेज बनाकर अपने होने का ऐलान किया था। शुरुआत समाज सेवा से हुई थी, मगर आज इनके पास सैन्य ट्रेनिंग भी है, जिससे अब ये इसराइल के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। पांचवा ग्रुप है लिवा अम्मार इब्न यासिर। लिवा अम्मार इब्न यासिर अलेपो में काम करने का दावा करता है। लिवा अम्मार इब्न यासिर ने 27 मई 2013 को एक फेसबुक पेज के जरिए अपने अस्तित्व का ऐलान किया। 4 जून 2013 को जब इसके 7 सदस्यों के अंतिम संस्कार की तस्वीर सामने आई तो इसके अस्तित्व का पहला गैर इंटरनेट आधारित सबूत सामने आया। ये गुट ईरान की विचारधारा में यकीन रखता है। नंबर छठा ग्रुप है कताइब हिजबुल्ला। कताइब हिजबुल्ला ने अपने पहले शहीद का ऐलान मार्च 2013 में अहमद महदी शुवेली की मौत के साथ किया था। इराक में कताइब हिजबुल्ला एक ईरानी समर्थित इराकी संगठन है। ये ना तो ईरान से अपने लगाव को छिपाता है और ना ही ये छिपाता है कि लेबनान का हिजबुल्ला उसका आइडल है। इराक से जब गठबंधन सेनाओं की वापसी हुई तो कताइब हिजबुल्ला ने हथियार डालने के अपने आह्वान को खारिज किया और ताकत समेटने में लग गया। सीरिया में सेना तैनात करते समय कताइब हिजबुल्ला ने भी सीरिया में गृह युद्ध के दौरान अपनी सेना उतारी, जो बशर अल असद यानी ईरान के खिलाफ थे उनको निशाना बनाया। इनके पास युद्ध लड़ने का काफी अनुभव रहा है, क्योंकि इराक में जब सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका ने जंग छेड़ी थी तो उस जंग में भी इस गुट ने अमेरिका का साथ दिया था ताकि सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाया जा सके। अब ये गुट सीरिया में इसराइल के खिलाफ है। अब सवाल है कि किस तरह लड़ने में माहिर हैं ये गुट। दरअसल ये गुट छोटी छोटी ज्वाइंट यूनिट बनाते हैं। शिया लड़ाके असॉल्ट राइफल, मशीन गन, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करते हैं। शिया मिलिशिया ने रक्षात्मक स्नाइपर तैनात किए हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में चौकियां बना ली हैं। सीरियाई बख्तरबंद यूनिटों के लिए पैदल सेना मुहैया कराते हैं। ट्रकों और जीपों में अक्सर रिकॉयललेस राइफलें, 23 mm और 14.5 mm तोपें, 12.7 mm और
7.62 mm मशीन गन या रॉकेट होते हैं। इनमें ऐसी राइफलें शामिल हैं जो कंधे पर रखकर चलाई जाती हैं, यानी कंधे से फायर और दुश्मन खलास। मशीन गनों से लड़ने का ये तरीका उनकी हिम्मत और बहादुरी को दिखाता है। ये गुट इसराइल के लिए नासूर बन चुके हैं, जिनसे पार पाना फिलहाल इसराइल के लिए मुश्किल होता दिखाई दे रहा है।